तो भाई साहब आज हम लोग आ चुके हैं जय गुरु भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी नवरात्रि स्पेशल जो है हमारा सीरीज अब चलने वाला है। अब मटन हो गया ख़त्म भैया, अब हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा श्रद्धा भावपूर्ण, अब हम लोग कंटेंट करने वाले हैं, आप लोग सपोर्ट करिए। ये देखिए भाई साहब, लोकेशन के बारे में अगर बात करें ना भाई साहब, तो भिकना पहाड़ी मोड़ आप बोल सकते हैं। ये देखिए पुलिस चौकी है सामने में, थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का ATM है, इसी के जस्ट सामने में आपको ये मिलने वाला है जय गुरु भोजनालय। वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, परौठे जो हैं एकदम अच्छे तरीके से तैयार किए जाते हैं, स्टफिंग बहुत ही बढ़िया है, ये देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया स्टफिंग्स। और भाई साहब यहाँ पे जो सब्जी है ना, वाह भाई साहब, मतलब मटन और जो चिकन लवर्स है ना वो फेल हो जाएंगे भाई साहब, मतलब आप विवश हो जाएंगे एकदम शाकाहारी व्यंजन को खाने के लिए। ये देखिए भाई साहब, और वेज कंटेंट को भी सपोर्ट करिए भाई साहब, ये देखिए बहुत ही बढ़िया सही है। और भाई साहब ये देखिए, ये जो है ना यहाँ पर आपको स्पेशलिटी जो है ये है, यहाँ पे आप पूरी बोल लीजिए चाहे कचौड़ी बोल लीजिए जो बोल लीजिए, लेकिन ये सत्तू भरा है भाई साहब। ये देखिए, और ये देखिए भाई साहब, ये रख दिया गया है इसमें। इसमें किस किस चीज़ का फीलिंग्स होता है अंदर में, क्या क्या चीज़ डाला होता है? आलू भी रहता है। आलू भी रहता है, अच्छा आलू के साथ आलू हो गया, सत्तू मिला के इसमें। अच्छा आलू हो गया, सत्तू हो गया, नमक है, मिर्च है, नमक है, मिर्च है, और गोलकी पाउडर है। अच्छा गोलकी पाउडर है, और अच्छा क्या बात है भाई साहब, ये देखिए बहुत ही बढ़िया भाई साहब। तो नवरात्र स्पेशल जो है ना हम लोग अभी सीरीज करने वाले हैं भाई साहब। सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया क्या बात है। ये कैसे पीस होता है? एक पीस आठ, कैसे? आठ रुपये, बहुत ही चीप एंड बेस्ट, स्टूडेंट फ्रेंडली जगह, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आपका प्राइस है क्या? क्या बात है भाई साहब, ये देखिए कलर देखिए भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए भाई साहब, ये हो गया पूरा तैयार। वो ये देखिए उधर फिलिंग्स हो रही है, मैं फिलिंग्स की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए ये पूरी के लिए जो फिलिंग्स है ना भाई साहब, यहाँ पे देखिए ये पूरी के लिए जो फिलिंग्स है ये यहाँ पे किया जा रहा है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। इसमें क्या क्या है एक बार फिर से बताएंगे, इसमें क्या क्या डाला हुआ है? इसमें सत्तू है, आलू है, भुका हुआ मिर्च है, जो खड़ा मिर्च रहता है ना, हाँ हाँ, और गोलकी भी दिख रहा है, फ्राई करके उसके बाद उसको भुकते हैं। अच्छा। नमक रहता है, गोलकी रहता है इसमें, क्या बात है भाई साहब। ये देखिए भाई साहब, और यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एकदम रिफाइन, कौन सा यूज़ करते हैं आप लोग? तो ये देख सकते हैं भाई साहब, कौन सा यूज़ करते हैं? महाकौच। अच्छा महाकौच। तो ये देखिए ये सब्जी जो है, अच्छा इसके साथ सब्जी क्या क्या है एक बार मुझे बताइएगा? ये अंदर है सब्जी है ना? हाँ। ये पूरा वेज आउटलेट है ना, यहाँ नॉनवेज वगैरह नहीं है ना? नहीं। क्या बात है, और लोकेशन क्या हो गया एक बार बता दीजिए हमारे ऑडियंस? भिकना पहाड़ी पुलिस चौकी के पास। अच्छा भिकना पहाड़ी पुलिस चौकी के पास, और नाम क्या हो गया? पटुका। जय गुरु भोजनालय। जय गुरु भोजनालय। ये देखिए भाई साहब क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया, वाह भाई साहब वाह। ये देखिए भाई साहब, ये पूरी के साथ क्या क्या है यहाँ पे आप बोल लीजिए, ये परौठे के साथ ये क्या है इसमें? ये चना मसाला है। अच्छा ये चना मसाला है, ठीक है, और ये क्या हो गया? परवल आलू है। अच्छा ये आलू परवल है, हाँ वाह भाई साहब। इधर काबली छोला है। अच्छा काबली छोला है, क्या बात है भाई साहब। गोभी आलू है। वाह भाई, तो मटन फेल है आपके, हाँ क्या बात है। और इधर क्या हो गया आपको? ये परवल प्याजा है। अरे वाह भाई साहब, खुशबू जो है ना भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त है, वाह। ये हो गया आपका बेसन का है, वाह भाई साहब। और ये हो गया आपका चटनी देते हैं पराठा के साथ में। अच्छा पराठा के साथ में चटनी फ्री, क्या बात है फ्री। अच्छा क्या बात है भाई साहब, आपका जो सब्जी है उसका जो कलर है वो तो एकदम मटन चिकन फेल है, हाँ क्या बात है भाई साहब। ये देखिए, तो आप लोग भी इस नवरात्र में अगर कुछ वेज खाना चाह रहे हो भाई साहब, तो एकदम यहाँ पर एकदम ज़रूर से आइए, है कि नहीं? यहाँ केवल वेज ही खाना मिलता है, सिर्फ वेज खाना मिलता है। क्या नाम हो गया आपका? रामजी यादव। अच्छा क्या बढ़िया कलर। और ये देखिए भाई साहब,
ये जो अपना परौठा है ना, ये परौठा एकदम लगातार तैयार किया जा रहा है। तो ये कितना कितने में से परौठा तैयार करते हैं आप? 6 बजे से। और कितना तैयार हो जाता होगा लगभग, कितना परौठा तैयार कर देते होंगे लगभग अंदाज? 300-400 तो तैयार हो जाता होगा आराम से क्या? और कितने बजे तक खुला रहता है ये दुकान? 11 बजे तक। 11 बजे तक। अरे वाह भैया वाह, वाह भाई साहब। भाई साहब अंदर जो है ना, अंदर का नज़ारा देखिए भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, एकदम जो लोग हैं ना एकदम यहाँ पे टूट पड़ रहे हैं एकदम। देखिए सब लोग पार्सल करवा रहे हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली एरिया है। और यहाँ पे जो रोटी है ना, तवा रोटी, ये तैयार हो रहा है, ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, ये देखिए। और देखिए यहाँ पे एक कस्टमर जो है भाई साहब, ये यहाँ पर अपने थाली का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और सबसे पहले क्या नाम हो गया आपका? गौतम जी। तो मतलब कैसा लगता है यहाँ का स्वाद? काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी बढ़िया है। कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे? कितने दिनों से? 5-6 महीने। 5-6 महीना से आया। क्या लिया है आपने? ये लिया है आपने सत्तू का पराठा, पराठा चाहे पूरी कचौड़ी जो बोल रहे हैं इसको। और ये सब्ज़ी किस चीज़ की है? आलू और परवल है ना। कैसा टेस्ट लग रहा है? नॉनवेज खाते हैं कि नहीं खाते आप? खाते हैं। इस सब्जी के सामने अगर बोला जाए तो नॉनवेज फेल है कि नहीं? एकदम सही बोलिएगा, जेन्युइन रिव्यू। चलिए ये देखिए भाई साहब, ये सब्जी देखिए भाई, वाह भाई साहब वाह, क्या रोगन है। ये हो गया आपका परवल आलू का सब्जी, वाह भाई साहब वाह। इधर क्या हो गया? ये बेसन है। बेसन हो गया। तो ये सारे सब्जी एकदम कॉम्प्लीमेंट्री एकदम आपको दिखेंगे। ये नीचे छोला दिख रहा है ना? हाँ। वाह भाई साहब क्या बात। ये दाल हमको दिख रहा है भाई, दाल। और ये चावल है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये देख सकते हैं रोगन, देखिए कितना बढ़िया रोगन है भाई साहब। तो आप भी अगर आना चाहेंगे तो एक बार यहाँ पर आइए और यहाँ के जायके का लुत्फ़ उठाइए भाई साहब। और नवरात्रि सीरीज चल रहा है, ढेर सारी शुभकामनाएँ बिहारी गाइड्स की तरफ से। प्यार दीजिए, लहरिया लुटिए हमारी रेसिपी का।